नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दतिया सुंदरानी पेट्रोल पंप के पास बने कुएं पर अफरा तफरी मच गई, जब व्यक्ति की तलाश पानी में तैरती हुई नजर आई। लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो तुरंत ही मौके पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस एवं दतिया SDOP सुमित अग्रवाल एवं पत्रकारों की टीम। पानी में तैरती हुई लाश को बाहर निकालने के लिए पुलिस एवं पत्रकारों के द्वारा होमगार्ड एवं NDRF को सूचना दी गई, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची समय से यह टीम। जबकि होमगार्ड टीम को सूचना लगभग शाम की 5 वही दे दी गई थी, लेकिन टीम पहुंची रात्रि 8 बजे। आखिर इतना समय विलम्ब क्यूँ? तत्पश्चात युवक की लाश को निकाला गया बाहर। बाहर निकाले गए युवक की नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस द्वारा बॉडी को कब्जे में लेकर मामला पंजीकृत कर छानबीन शुरू कर दी। लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है होमगार्ड की कार्यशैली पर, कि सूचना देने के बाद भी समय से नहीं पहुंची आपदा टीम। सूचना मिली है कि पेट्रोल पंप है, उसके पास में कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी है। तो मौके पर हमारे थाना सिविल लाइन का मामला है, तो अभी आके देखा है हमने, तो अभी NDRF को और होमगार्ड है वहाँ पर इनको इन्फॉर्म किया है। जैसे ही उनके गोताखोर आते हैं तो उसको निकलवा के उसकी तफ्तीश की जाएगी कि किसकी बॉडी है, और थाने बना के आएंगे और कार्रवाई की जाएगी। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय नवीन OPD में 16 तारीख से कोरोना वैक्सीन टीकाकरण नियम अनुसार प्रत्येक दिन 100 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने मेडिकल कॉलेज डीन राजेश कौर और जिला चिकित्सा नई ओपीडी में पहुंचकर देखा क्रम बाय सभी को टीकाकरण किया जा रहा है एवं साथ में दवा भी दी जा रही है, ताकि अगर किसी को बुखार या कोई समस्या आती है तो इसका इलाज हो सके। मेडिकल कॉलेज वैक्सीन ऑफिसर डॉक्टर शुभांश गुप्ता से पत्रकारों ने चर्चा की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चौथे दिन कुल 271 लोगों को वैक्सीन टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण के दौरान उन लोगों को अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। ये अभियान 16 तारीख से शुरू हुआ था। 16 तारीख में जनरली हमारे पास रोज 100 बेनिफिशियरी की लिस्ट आती है, जो कि कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें अटैच रहता है कि जिन जिन हर दिन के हिसाब से उन बेनिफिशियरी का जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है वो बेनिफिशियरी के हमें वैक्सीनेशन लगा। ऑलमोस्ट करीबन अभी तक 4 दिन की वैक्सीनेशन में 271 लोगों की हो चुकी है मेडिकल कॉलेज की तरफ से। 271 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। वही दूसरी तरफ मीडिया ने डॉक्टर हेमंत जैन सहायक मेडिसिन से बात की तो उनके द्वारा जानकारी दी गई। सामान्यतः मरीजों को जो लक्षण आ रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद, जो बुखार आना, बदन में दर्द होना और ठंड लग के बुखार आना जैसे लक्षण है, सामान्य लक्षण है, और इन चीजों के लिए केवल पैरासिटामोल टैबलेट लेने पर तुरंत मरीज को आराम मिल जाता है और किसी भी तरह का कोई खतरा मरीज को नहीं होता। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज डीन राजेश कौर के साथ डॉक्टर शुभांश गुप्ता, डॉक्टर हेमंत जैन, डॉक्टर चक्रा अवस्थी, डॉक्टर सचिन सिंह यादव, डॉक्टर संजीव कुमार साथ रहे। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर संजय कुमार के मार्गदर्शन में दतिया जिला एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध एवं विकासशील बनाने के लिए निरंतर हर दृष्टि से कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते दतिया जिले की ग्राम कामद में लोक निर्माण विभाग के द्वारा भी पानी की टंकी क्षमता को बढ़ाया गया एवं पानी पाइपलाइन की व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण कर दुरुस्त किया गया एवं पानी से जुड़ी समस्या को ध्यान केंद्रित कर शीघ्र ही निकारण के लिए निर्देशित भी किया जा रहा है। साथ ही कार्यपालन यंत्री ने कहा कि पानी की टंकी की मात्रा 1.5 लाख लीटर की है एवं 962 कनेक्शनों के माध्यम से लगभग 2500 लोगों तक आने की व्यवस्था पहुँच रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण दतिया कलेक्टर के द्वारा चलाई जा रही है। अंतिम 5 योजना के तहत लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेना एवं उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ सुश्री नीरू एवं अन्य स्टाफ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कामत की नलिन हमने नई बनाई है, इसमें 150 KL मतलब 1.5 लाख लीटर पानी की टंकी की क्षमता, इसकी बाउंड्री बनाई काफी मेंटेन की है, और यहाँ हम 962 नल कनेक्शन के माध्यम से पानी पिला रहे हैं। करीब 2500 जनसंख्या से हमारी कवर्ड हो रही है। अभी 2500 घरों में पानी दे रहे हैं और अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, कहीं कहीं नहीं भी पहुंच रहा है, एक दो जगह प्रेशर नहीं बन रहा है, तो उसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।